फिर उस तो बाद जो तुम्हें इनकुआरी शुरू की इस तरह की जी सहायता सरकार के वालों तुम्हें दी गई कि कुछ तुम्हें गाइड किया गया कि सहयोग जोड़े सरकार के उस समय के अवसर से कि सहयोग तुम्हें दिता गया। फस्ट टर्न मैनून इनफोरमेस ही नहीं आई। मैं फस्ट लैटर लिखी लिखा उस टाइम तो मेरे को ना कोई स्टेनो से ना कोई होर मतलब कोई मुलाजम नहीं सगा। मैं अपने हाईकोर्ट में जो मैं क्योंकि हाईकोर्ट जज रिटायर होया तो मैं अपने हाईकोर्ट के मुलाजम ला के एक लैटर लिखा फस्ट लैटर। जी कह भाव यह है कि पंजाब के सब तो व्डे मसले को सुलझाने वाले अफसर को स्टैनो तक नहीं दिता गया। कारतूस चके खाली कारतूस एक कट वो पेपर के भी न्यूज आई और दिखा रहे थे उतो मिले इनवैसिगेशन पुलिस कर रही थी और की उन्होंने जिम्मेवारी नहीं मानती वो कार्टेज कर दी जाने हाल तक वो कार्टेज कर दी नहीं गए। अच्छा जे मौके पर दिखाए दिखा रहे थे उन्होंने हाले तक भी हाल तक पुलिस ने कर दी लै गए। ये एक मुलाजम दस कार्टेज दिते गए दसे दस उन्हें वापस लिया दसे तो फिर वो मुताबिक फर्क तक होगी बिल्कुल जे कि दिते वापस लिया सारे जिन्हें 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 देते सारे पूरे कर जो मतलब प्राइवेट वैपन के फायरिंग मेरी होंगी सी फिर बहुत मुलाजम एडमिट कर गए कि असी फायरिंग हुई है तो पर असी डिफेंस की पुलिस मन भी रही है भी फायरिंग असी की फायरिंग हुई है जेडे कि एस एस पी डी एस पी जिन्हें भी है सारे मानते भी ऑलदार की जिन्हें भी मुलाजम उ आ गया वो मानते भी असी डिफेंस की है तो जे भाई साहब तुम डिफेंस की है वो किसी थाने जो कट्ट गए कार्ड वो कार्ड तुम कितों ले कितों ले जो उन्होंने अपनी जिबा च रखे कार्ड जिदा कोई कार्ड कोई फायरिंग होंगी है वीडियो सी सी टीवी फुटेज होंगी है कैमरे लगे थे कैमरे के आई रिपोर्ट भी वो जो कैमरे तो खराब हो गए थे अवेलेबल नहीं बात उ जेडे कि उ बाद असि लैटर लिखा एस एस पी फरीदकोट डी सी मौके पर मान रहे अफसर मान रहे भी उत्थे कैमरे लगे थे उन्होंने अवेलेबल हैगी है रिकॉर्डिंग हैगी है जेडे उ धरने पर बैठे थे डिफरेंट लीडर उन्होंने स्पीचा के बीच रिकॉर्डिंग हैगी है लेकिन साडा रिप्लाई के साडा लैटर जो असं लिखते थे वो तो जाता भी कोई अवेलेबल नहीं। फिर उस तो बाद इस दौरान थोड़ी सुखबीर के नाल जां फिर जिहड़े उस समय के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल सीगे उन्होंने नाल मीटिंग नहीं हुई कोई गलबात नहीं हुई तुम्हें दस्या नहीं कि भाई ये जिहड़े तुहाडा प्रशासन है सानूं सहयोग नहीं कर रहा। 2017 दीयां विधानसभा चोणां दो तीन मुद्दों नूं लैके मेल लड़ियां गईयां सी एक तां सी बेअदबी दा ते गोलीकांड दा जिहड़ा मामला 2015 दे विच पंजाब दे अंदर वापरिया सी उहनूं मुख मुद्दा बना के चोणां लड़ियां गईयां सी। दूजा ड्रग्स माफिया ते वख वख तरां दे जिहड़े माफिया ने उहनां नूं मुख बना के जिहड़ियां चोणां लड़ियां गईयां सी पर 2022 दीयां चोणां हुण नज़दीक ने हाले तक भी उहनां मुद्दियां दे विचों कोई भी मुद्दा जिहड़ा उह सुलझिआ नहीं ते दुबारा फिर तों उही मुद्दियां नूं लै के चोणां लड़न दी तैयारी कीती जा रही है। बहुत सारे लोगों के मन दे विच सवाल है कि हाले तक ये मुद्दे सुलझाए क्यों नहीं ते सरकार वख वख तरां दे जिहड़े आ उह बहाने भी लवाउंदी है ते सरकार दे ही कुछ आगू चाहे वह नवजोत सिंह सिद्धू हुण ते चाहे कुछ होर वड्डे आगू हुण उह भी ये इल्जाम लाउंदे आ कि जिन्नी देर बेअदबी दे मामला जिहड़ा हैगा सुलझदा नहीं उन्ना टाइम पंजाब दे लोक जिहड़े आ उह किसी भी लीडर नूं चाहे वह पिछली सरकार दे हुण चाहे वह मौजूदा सरकार दे हुण उहनां नूं माफ़ नहीं करनगे ते जिन्नी देरी इंसाफ दे विच पैंदी जाएगी उन्ना ही जिहड़ा दोषियां नूं बचण दा मौका मिलदा जाएगा। ते अज इस प्रोग्राम दे विच असीं गलबात करांगे एक अजिहे शख्स दे नाल जिन्हें सब तो पहला बेअदबी गोलीकांड दे मामलों की जिहड़ी आ उह जांच कीती सीगी पहले वह अफसर सीगे जिन्हां ने ये जांच कीती सी उस तो बाद भी बहुत सारिया इनकुआरियां हुई ने पर हाले तक भी सिट्टा किसी मोड़ पर पहुँच नहीं सकिया। साढ़े नाल ने वो गलबात करन दी कोशिश करांगे कि आखिर जदों उन्होंने इनकुआरी कीती सी ते उदों की निकलिया सी बेशक उन्हां दी रिपोर्ट जिहड़ी सरकार दे वल्लों पढ़ी भी तक नहीं गई ते हुण जिहड़ियां जांचां होईयां ने उन्हां दी इनकुआरी ते हुण दीयां इनकुआरियां दे विच की कुछ फर्क रहा ते की लगदा है कि हुण इन्हां मामलों दे विच इंसाफ मिल पाएगा जां नहीं ते तुहाडी सरकार ने रिपोर्ट पढ़ी क्यों नहीं इस पूरे मामले ते गलबात करांगे। सरदार जोरा सिंह जी जिहड़े कि साबका सेवा मुक्त जिहड़े जज ने उहनां दे नाल गलबात करदे आं सब तों पहला स्वागत करदे आं सर स्वागत है जी। सर थैंक यू सर पहली जिहड़ी तुसीं इनकुआरी तुसी कीती सीगी गोलीकांड दे मामलों दे विच ते सरकार ने तुहानू चुनिया सी तुहानू चुनिया किवें गया शुरुआत तो आपां जेकर समझण दी कोशिश करिए
क्योंकि बहुत सारे लोग जानते नहीं गए। सिर्फ इन्ना जरूर पता भी सर होना ने बड़ी वधिया तरीके सरदार जोरा सिंह होना ने इनकुआरी की सी, पर सरकार ने उन्हां दी ना तो सुनी है ना ही कोई सहूलत दित्ती सी। उन्होंने कहा भी धक्का जरूर होया, मेहनत का फल तुहानूं यानी मिलिया नहीं, जे इंसाफ मिलता तो फल भी मिल जाना सी, पर तुहानूं चुनिया गया किस तरीके दे नाल चुनिया गया ते की कुछ कह के जिहड़ी इनकुआरी सौंपी गई सी पहले तो यह दसो, फिर आपां अगे चलते हैं। देखो ये जी श्री गुरु ग्रंथ साहब की बियाज भी हुई है जून 2015 दे विच हुई है, नवंबर दे विच मैनू एक टैलीफोन आया भी तुहानू असी कमीशन दे विच इनकुआरी कमीशन दे विच हैड लाना गया, तुसीं इनकुआरी करन वास्ते किते होर बिजी तां नहीं किते। मैं क्या बीइंग सिख दो वधिया की गल हैगी है, एक गुरु ग्रंथ साहब जी की बियाज भी हुई है और बीइंग सिख मैं इहनू रिफ्यूज नहीं करना चाहुंदा सी, और मैं बड़े मतलब इमीजिएटली आई सैड भी ठीक है रेडी, तो जो बनता है जो मैं कि लीगली मौके पर होएगा एविडेंस मिलेगा ऑनेस्टली काम करके जो रिपोर्ट हैगी, मैं विदाउट एनी मोटिव कि ए पार्टी या बी पार्टी है किसी पार्टी ना मेरा कोई तलक नहीं सी, इंडिपेंडेंटली जो रिपोर्ट हैगी मैं सबमिट कराँगा तो मैनू अपॉइंट किया गया। फिर उस तो बाद जो तुसी इनक्वायरी शुरू की किस तरह की जिहड़ी सहायता सरकार दे वल्लों तुहानू दित्ती गई, की कुछ तुहानू गाइड किया गया, किन्ना क सहयोग जिहड़े सरकार दे उस समय दे अफसर सीगे किन्ना क सहयोग तुहानू दित्ता गया? देखो मैं नवंबर लास्ट वीक ऑफ नवंबर 15 दे विच मैं ज्वाइनिंग की है, और आफ्टर ज्वाइनिंग मैं फस्ट लैटर ने की लिखा, उस टाइम तो मेरे को ना कोई स्टेनो सी ना कोई होर मतलब कोई मुलाजम नहीं सी, मैं अपने हाईकोर्ट के जो मैं क्योंकि हाईकोर्ट जज रिटायर होया सी तो मैं अपने हाईकोर्ट के मुलाजम ला के तो एक लैटर लिखा, फस्ट लैटर लिखा, वो लैटर मैं लिखा सी भी सारे डिपार्टमेंट सारे डिस्ट्रिक्ट पुलिस उत्थे गई है, उन्हां नूं उन्हां बारे मैनूं एक इनफॉर्मेशन दो भी एक थाने चों किन्ने मुलाजम गए है, वो किहड़े किहड़े गए है, उन्हां कोल किन्ने वैपन सी, की वैपन दा नां सी, और किन्ने किन्ने घट जितने की दिते गए है, जिहड़ी रोजनामे की कापी वह मैनूं दित्ती जावे जिन्नी डिपार्चर रिपोर्ट हुंदी है भी पुलिस दे मुलाजम गए है ये गए है, और वापसी ते वो आए है और उन्होंने की वापस किया गया, किन्ने किन्ने घट च वापस किए गए है, कोई शॉर्टेज है नहीं है, किन्ने मुलाजम आया, वह किस टाइम पर है, यानी कहने का भाव जानी कहने का भाव यह है कि पंजाब के सब तो वड्डे मसले को सुलझाने वाले अफसर को स्टैनो तक नहीं दिता गया। देखो उस टाइम तक जो जिस दिन मैं ज्वाइन किया उस दिन तो नैचुरली कोई नहीं, उस तो बाद फिर हौली हौली मैंने उन्होंने कहा भी तुम अपना क्या अपॉइंट कर लो, मैं अपॉइंट कर लिया 5-7 दिन असी कर लिया, लेकिन मैं वो फस्ट लैटर जरा आफ्टर ज्वाइनिंग इमीजिएटली सैकेंड डे से मैं वो लैटर इशू किया भी सारे डिपार्टमेंट जो सारे थाने के पंजाब क्योंकि पंजाब के कोई इस तरह का कि डिस्ट्रिक्ट नहीं जितों पुलिस उत्थे नहीं गई सी, 2000 के नज़दीक पुलिस मुलाजम उत्थे सीगे वक्रे वक्रे डिस्ट्रिक्ट विचों, और कईयां कोल वैपन सी कईयां कोल नहीं सी कईयां कोल रॉड डंडे सीगे इस तरह, वो मैं जो लैटर लिखा, लेकिन मेरी फस्ट अपॉइंटमेंट जी मेरी सी फॉर 3 मंथ्स की 3 महीने वास्ते मेरी अपॉइंटमेंट सी फस्ट, यानी 3 महीनों के कंप्लीट करनी सी, लेकिन 3 महीने एक्सपायर होने बाद भी रिपोर्ट मेरी मतलब ये कंप्लीट रिपोर्ट नहीं आएगी, 3 महीने तो बाद आई, यानी जिनी लंबी चलेगी इनक्वायरी। हाँ मतलब 3 महीने तो बाद ना कि रिपोर्ट आई है भी यह इस थाने चो इन्ने मुलाजम गए और किहड़े किहड़े गए और किन्ने उहदे वैपन सी किन्ने उहने वापस किए किन्ने काटे। अच्छा पहली जिहड़ी तो देखो इनफॉर्मेशन मंगी गई फस्ट टर्म उही 3 महीने लाते, फस्ट टर्म दे विच इह मैनूं इनफॉर्मेशन ही नहीं आएगी। अच्छा ये इनफॉर्मेशन है, लेकिन असीं दूसरी जिहड़ा डॉक्टर दे बयान होर है जिन्ने पब्लिक दे सी वो चीज़ अपना कंप्लीट करते रहे चली गए, लेकिन जी जी बहुत इंपोर्टेंट सी क्योंकि एक थाने चो मुलाजम आते हैं वो मुलाजम कि है और की वैपन है क्योंकि उत्थे फायरिंग हुई है, वो तुहानू एंट्री तो पता लग सकता भी ये मुलाजम गया और स्टेन गन सी AK-47 सी SLR सी पिस्टल सी की है और किन्ने काटेज है और उन्हें किन्ने बास किए, फिर ही पता लग सकता भी उत्थे मौके पर कोई फायरिंग हुई नहीं हुई जां किस तरह की पीछे रहेगा, वो जी बहुत इंपोर्टेंट जी सी लैटर जो कि असी फस्ट लिखा थी, लेकिन विदिन 3 मंथ्स वो लैटर का रिप्लाई नहीं आया। अच्छा जी है सी, और दूसरा यह है भी जो उत्थे मौके पर एविडेंस अवेलेबल सी इमीजिएटली आफ्टर फायरिंग जो उत्थे कार्टेज वगैरह सके एम्प्टी कार्टेज एक कारसे वाले बाबा जी सके उन्होंने उत्थों चके कारतूस चके खाली कारतूस एम्प्टी कार्टेज वो पेपर के भी न्यूज़ आई वो दिखा रहे थे उतों मिले गए, इनवैसटीगेशन पुलिस कर रही थी और कि उन्होंने जिम्मेवारी नहीं मानती भी वो कार्टेज कब्जे ही लेने, हाल तक वो कार्टेज कब्जे ही नहीं ले गए,
ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ ਕਬਜ਼ੇ ਚ ਲੈ ਗਏ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਏ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਜੀ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕੇਟ ਕਰਦੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਆਦਮੀ ਕੋਲ ਗਏ ਆ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਆ ਔਰ ਉਹੀ ਕਾਟੇਜ ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੜਾ ਨਾ ਕਿ ਕਲਿਚਿੰਗ ਐਵੀਡੈਂਸ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕਾਟੇਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੈਪਨ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕਾਟੇਜ ਐਮਟੀ ਕੱਟ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਾਟੇਜ ਫਲਾਨੀ ਵੈਪਨ 'ਚੋਂ ਚੱਲਿਆ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਡਿਸਟਰਾਏ ਕੀਤਾ ਦੂਸਰਾ ਜੋ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਏਗੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਗਈ 2000 ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਗਏ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਫਸਟ ਲੈਟਰ ਦਾ ਰਿਪਲਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਹੀ ਸੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਸਲਟ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣੀ ਸੀ ਵੀ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਲੱਗੇ ਰਿਕਾਰਡ ਆ ਗਿਆ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ 10 ਕਾਟੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ ਦੱਸੇ ਦੱਸੇ ਉਹਨੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫਾਇਰਿੰਗ ਤਾਂ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ 5 ਦਿੱਤੇ ਉਹਨੂੰ 5 ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਯਾਨੀ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਕਰਤੇ ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਕਰਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵੈਪਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਾਕੀ ਵਿਟਨਸ ਨਾਲ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਵਿਟਨਸ ਨੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਸਾਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੋਸ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ 5-7-10 ਕੁਐਸਚਨ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਡੀ ਐੱਸ ਪੀ ਆਇਆ ਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਐੱਸ ਐੱਸ ਪੀ ਆਇਆ ਗਾ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਜੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਮੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਹ ਐਡਮਿਟ ਕਰ ਗਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਅਤੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਡਿਫੈਂਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਡਿਫੈਂਸ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਉੱਧਰੋਂ ਮੂਹਰੋਂ ਹੋਈ ਜੇ ਹੁਣ ਡਿਫੈਂਸ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਆ ਜੇ ਇੱਕ ਡਿਫੈਂਸ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੋਲ ਜੇ 10 ਕਾਟੇਜ ਆ ਉਹਨੇ ਡਿਫੈਂਸ ਦੋ ਕਾਟੇਜ ਚਲਾਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸੀ 'ਤੇ ਤਾਂ ਉਹ 8 ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏਗਾ 10 ਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਦੋ ਉਹਨੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਚਲਾਤੇ ਡਿਫੈਂਸ ਮੰਨ ਲਓ ਚਲਾਤੇ ਉਹਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਸਭ ਪੂਰੇ ਹੈ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੰਨ ਵੀ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐੱਸ ਐੱਸ ਪੀ ਡੀ ਐੱਸ ਪੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹੌਲਦਾਰ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਡਿਫੈਂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫੈਂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਤੋਂ ਕੱਟਣ ਗਈ ਕਾਟੇ 'ਚ ਉਹ ਕਾਰਤੂਸ ਕਿੱਥੋਂ ਲਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਬਾਂ 'ਚ ਰੱਖੇ ਸੀ ਕਾਟੇ 'ਚ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੂਰੇ ਕਰਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਾਟੇ 'ਚ ਨਾ ਕੀ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਨਲੈਕੀ ਵਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਫਾਇਰਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਐਡਮਿਟ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਿਫੈਂਸ ਕੀਤੀ ਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਥਾਣੇ 'ਚੋਂ ਸ਼ੋਰਟੇਜ ਹੋਈ ਆ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੱਸ ਦੇਣ ਵੀ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ ਪਰ ਇਹਨੇ ਡਿਫੈਂਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਜਿੰਨਿਆਂ ਕੋਲ ਵੈਪਨ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਸ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਆ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਆ ਕਿ ਸੰਗਤ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਬੈਠੀ ਸੀ ਡਿਫੈਂਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਏ ਦੇਖੋ ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਫੈਂਸ ਵਾਲੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਡਿਫੈਂਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਨਾ ਕਿ ਵੈਸੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਡਿਫੈਂਸ ਕੀਤੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਡਿਫੈਂਸ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਡਿਫੈਂਸ ਕੀਤੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਹੌਲਦਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ESI ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕਨਸਟੇਬਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਬਸ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਹੇ ਜੀ ਡਿਫੈਂਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਿਉਂ ਜੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਡਿਫੈਂਸ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਕੋਈ ਡਿਫੈਂਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਪਰ ਮੈਂ ਡਿਫੈਂਸ ਕੀਤੀ ਐਟਲੀਸਟ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫੈਂਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਚਲੇ ਗਏ ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੈਨੀਪੁਲੇਟ ਇਹ ਜਿਹਨੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਰੀਏ ਹੋਇਆ ਨਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੀਪੁਲੇਟ ਕੀਤਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਲਾਤੇ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਫਸਟ ਲੈਟਰ ਦਾ ਰਿਪਲਾਈ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਈਏ ਸਾਰਾ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਈਏ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਸਟੈਂਡ ਲਈਏ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆਈ ਔਰ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ CM ਨੂੰ ਜਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਭਾਈ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਲੈਟਰ ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ ਅੱਛਾ ਵਾਰ ਵਾਰ ਲੈਟਰ ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ ਭਾਈ ਭੇਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਫਿਰ DGP ਨੂੰ ਇਹ 2 ਵਾਰੀ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ ਅੱਛਾ DGP ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਜਿਹੜਾ DGP ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਬਦਲਤੇ ਸੀਗੇ ਸੁਮੇਸ਼ ਸੈਣੀ ਅਸੀਂ DGP ਨੂੰ ਸਟੈਂਡ ਲੈਟਰ ਲਿਖੇ 2 ਵਾਰੀ ਵੀ ਭਾਈ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਪਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੱਸੋ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈਗਾ ਜੀ ਅੱਛਾ ਨੋ ਰਿਪਲਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ
ਲੈਟਰ ਲਿਖਣਾ, ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨੋਟਿਸ ਕੋਈ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਇਸ ਵਾਕਿਆ ਬਾਰੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਐਵੀਡੈਂਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਜੇ ਮੌਕੇ ਦਾ ਗਵਾਹ ਉਹ ਆ ਕੇ ਦੱਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦਾ ਪਰਪਜ਼ ਹੈ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਸਟਡੀ ਲੈ ਕੇ ਇੰਟਰੋਗੇਟ ਕਰਨ ਦੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਕੋਲ ਵੈਪਨ ਸੀ, ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਗੇਟ ਕਰਦੇ, ਦੱਸਦੇ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੇ ਵੈਪਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹ ਵੈਪਨ ਸੀਗਾ। ਦੋ ਉੱਥੇ ਕੈਜੂਅਲਟੀ ਹੋਈਆਂ, ਦੋ ਲੜਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਇੰਜਣ ਜਿਹਦੇ ਕਿ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸੀਜ਼ ਆ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਗਿਆ, ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ, ਤੀਸਰਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਿੰਨ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਕੀ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਿੰਨ ਗੋਲੀਆਂ, ਇੱਕ ਨੇ ਇਹਦੇ ਮਾਰਤੀ, ਦੂਜੇ ਨੇ ਦੂਜੀ, ਜਾਂ ਦੋ ਵੀ ਤਿੰਨ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਵੀ ਤਿੰਨ ਚਲਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਨਾ ਕਿ ਹੈ ਚਲਾਈ ਕਿਹਨੇ ਆ, ਕਿਹਦੇ 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 ਕਾਰਤੂਸ ਕੱਢੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜੇ ਮੌਕੇ ਜਿੰਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੈਪਨ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰੇ? ਦੇਖੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਵੀਡੀਓ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ, ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਆਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਉਹ ਜੇ ਕੈਮਰੇ ਤਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੌਕੇ ਜਾਂ ਸਿੱਧੂ ਕੋਲ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਸ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹ ਆ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਜਿਹੜੇ ਖਰਾਬ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ SSP ਫਰੀਦਕੋਟ ਨੂੰ, DC ਨੂੰ, ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਅਫਸਰ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੀਡਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸਪੀਚਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਰਿਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡਾ ਲੈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡ ਕੀ ਲਿਆ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਟਰੱਕ ਵੱਜਿਆ, 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, 12 ਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 12 ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਆ, 13 ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, 14 ਦੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੈਗੀ ਵੀ 12 ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ 13 ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਟਰੱਕ ਵੱਜਿਆ ਤੂੜੀ ਵਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕੈਮਰੇ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੋਈ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਰਜ ਵੀ ਥਾਣੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹ ਉਹਦੇ 'ਚ ਟਰੱਕ ਵੱਜਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਗਏ, ਜਵਾਨੀ ਆ ਕੇ ਜੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਤਾਂ ਲੈਟਰ ਲਿਖਣਾ, SSP ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ, DC ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ, DGP ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਪਲਾਈ ਇਹ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੀਸ ਦੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਮੈਟਰ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸੀਗੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਹੋਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਦੇਖੋ ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੰਗਦੇ ਸੀ ਉਹਦਾ ਜੋ ਰਿਪਲਾਈ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਗਾ। ਰਿਪਲਾਈ ਤਾਂ ਦੇਖੋ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਟਰ ਦਾ ਰਿਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ DGP ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਬਾਕੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਲਿਖਦੇ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਰਿਪਲਾਈ ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਲੈਟਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇਖੋ ਬਾਅਦ ਰਿਪਲਾਈ ਆਉਂਦਾ, ਉਸ ਰਿਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਧਿਆਂ ਦੇ ਵੈਪਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੋਲ AK-47 ਰਾਈਫਲ ਆ, ਇੱਕ ਵੈਪਨ AK-47 ਆ ਜਾਂ SLR ਆ, ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗੱਡੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਸਭ ਕੁਝ ਲਿਖਦਾ, ਇਸ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਗਏ ਆ, ਨੰਬਰ ਵੈਪਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਿਸਿੰਗ ਆ। ਦੱਸੋ ਇਹ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਨੈਮਿਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ, ਨਾ ਕਿ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਹੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਤਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਗਿਆ, ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਨੀ, ਦੱਸੋ ਭਾਈ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੈਪਨ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੁਖਬੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਅਕਾਲੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਪਬਲਿਕ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਹੈਗਾ ਅਪੁਆਇੰਟ, ਤੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ? ਤਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜੋ ਇਨ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਉਹਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਸਰਨਡ ਹੋਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ ਦੂਸਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟੈਲੀਫੋਨ 'ਤੇ ਵੀ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਜੋ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਆ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਅੱਗੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਵਧੀ? ਦੇਖੋ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਾ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜੋ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਸੀ ਉਹ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਤਾ ਗਿਆ,
फुटेज नहीं आएगी, रिकॉर्डिंग नहीं आएगी, जो रिकॉर्ड टैंपर किया गया, मैनिपुलेट किया गया, जो एविडेंस डॉक्यूमेंट एविडेंस कलैक्ट नहीं किया गया, एक्सैप्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट दो। एक बॉडी चो ना कि कार्टज मिलेगा वह कि जो 7.62 बोर है जोड़ा कि राइफल वैपन कहते हैं, राइफल वैपन मीन जन के 47 SLR स्विनगन राइफल वैपन है, ये गोली जी उतों चली गई है। डॉक्टर ने भी यही रिपोर्ट दी है, डॉक्टर के जिन्होंने पोस्टमार्टम किया और मेडिकल किया गया पोस्ट MLR के भी ये जरा राइफल वैपन चो गोली चली है, वो राइफल वैपन 26 आदमियों को आ गया उस जो मौके पर मौजूद सी 26 लैस लगी हैगी है ये 26 आदमी है गया और 26 आदमियों इंटरोगेट इन्होंने ड्यूटी सी उन्होंने कर दे भी भाई गोली तू चलाई है, उन्होंने दसा नहीं जी मैं नहीं चलाई, मेरे नाल दस उन्हें चलाई, फिर उन्हें कहना नहीं जी मैं नहीं चलाई जी उन्हें चलाई है। 26 आदमी इंटरोगेट करने वास्ते कि टाइम लगता है, इंटरोगेट कर दे उन्होंने दस देना भी किने गोली चलाई है और किसने कहने चलाई, उन्होंने जिन्हें गोली चलाई है उन्हें दसना भी मैनू तो DSP ने कहा SSP ने कहा फिर अगर कि चेन बननी सी, लेकिन वो सारे ही कह रहे भी अभी तो गोली चलाई नहीं, रिकॉर्ड कह रहा कोई गोली चली, जिन्हें को वैपन है वह भी कहते अभी तो गोली नहीं चलाई, तो जो एविडेंस अभी चाहते थे वो एविडेंस ना कि सारा डिस्ट्रॉय किया गया, वो कहते अभी चलाई नहीं, ना कह रहे हो कि पुलिस अफसर कह रहे थे कि गोली चली आ हाँ अभी डिफेंस चलाई, वो कमीशन के सामने आ कह रहे थे, कमीशन के सामने आके कह रहे थे, अदरवाइज उन्होंने जो रिकॉर्ड के मुताबिक कोई फायरिंग नहीं, जो अंदर जो ना कि थाने तो रिकॉर्ड आया गया भी किन्ने एक थाने किन्ने मुलाजम गए और किन्ने वैपन से और किन्ने काट गए, वो रिकॉर्ड के मुताबिक कोई फायरिंग नहीं हुई। अच्छा, रिकॉर्ड के मुताबिक फायरिंग हुई, लेकिन मेरे सामने आके काफ़ी मुलाजम एडमिट कर गए जी हाँ हुई सी, पर पुलिस की कह रही थी फायरिंग जो नहीं हुई तो फिर वो बंदे मरे किमें, यही तो पुलिस ने बस एक स्टैंड से भी अभी तो गोली चलाई नहीं गई, फिर कि आके कोई कह दिया हाँ जी डिफेंस चलाई थी पर मैं नहीं चलाई। अच्छा, यही गल है, फिर तो फाइनल रिपोर्ट नतीजे दे किस ते पहुंचे? असी फाइनल रिपोर्ट यही भी जी फायरिंग है ये जी कैजुअलिटी हुई पुलिस फायरिंग होनी हुई है, पुलिस फायरिंग हो गई क्योंकि जोड़ा राइफल वैपन किसी प्राइवेट आदमी को डिफेंसलैस ही बैठे थे और बैठिया के उत्ते जोड़े गोली चली है, एक जो डसीड है वह बैठा गया वो इतों ना कि गोली मतलब उपरों जाके थले जाती है, यदा मतलब बैठे आदमी तो गोली चलाई उपरों आदमी खड़ के चलाई और क्लोज रेंज तो चलाई है, एक मतलब 3-4 दूरों आके बजती है बिल्कुल नज़दीक तो मतलब रेंज तो मतलब 1 मीटर की कह लो मतलब क्लोज रेंज या कंटैक्ट रेंज कहते हैं। अच्छा, और जोड़ा आदमी बैठा गया वो आके कोले आके मीटर तो या 2 फुट 3-3 फुट तो गोली चलती है, तो उन्होंने जो जिन्हें गोली चलाई उन्होंने तो पता ही है मैं चलाई है, ये तो है नहीं भी एक गोली चलाई है तो 500 मीटर तो 200 मीटर जाके किसी लग गई अभी पता नहीं लगता, नहीं पता लगे कि बजी और कितों आई है क्योंकि वैपन डिफरेंट काफ़ी बैठे थे बिल्कुल, लेकिन जो क्लोज रेंज से तो गोली चलती है और बैठा आदमी है तो उदो तो इमीजिएटली नाल पता लग जाता भी ये चलाई है और जो चला वाला पता मैं ही पता लगता मेरे तो बच गई बच गई, लेकिन उन्हों का पुलिस का स्टैंड देखो ये की है वो ये सारा ना कि जी इन्वेस्टिगेशन बड़ी मतलब सही तरीके नहीं हुई, जो एविडेंस कलैक्ट करना चाहते वो नहीं हुई, असी फाइंडिंग ही दी है भी वो डिफेंसलैस से उन्होंने कोई हथियार नहीं और जरा डिसीज मरना जे जिन्हें शहीदी हुई है डिसीज मरना के बेचारे 2 आदमी वो बैठे थे स्टैंडिंग पोजिशन से, जरा गोली मारने वाला स्टैंडिंग तो जरा विक्टम से बैठ मतलब सिटिंग पोजिशन से और क्लोज रेंज तो बजी है और राइफल वैपन जो बजी है, हुण पॉइंट सिर्फ इन्ना ही है भी वो जिहड़े राइफल वैपन चलाई है वह किहड़ा आदमी, जिहड़ी पब्लिक है पब्लिक ने सारे ने यही गल कही भी असी तो उत्थे बैठे ना कि धरने ते बैठे सीगे पाठ कर रहे सीगे ते ओह तां वीडियो च भी दिखाई दे रहे और इन्होंने आके फायरिंग की, वो कहने भी असी फायरिंग की पुलिस ने पर असी किसी नूं आइडेंटिफाई नहीं कर सकते क्योंकि उत्थे पुलिस वर्दी दे विच सी वक्खरे वक्खरे जिलों चों आई सी, हुण उस इलाके दे आदमी कोई आदमी नहीं कह सकदे भी तरन तरन तों जिहड़ी पुलिस आई उहदा की नां सीगा और की मतलब रैंक की सीगा जो फायरिंग होंगी है। एक ये बड़ी गल कही जा रही थी कि उमरा नंगल जड़े है परमराज सिंह उमरा नंगल वो फोन पर वार बार गल करते दिखाई दे रहे थे वो की सीगा? देखो उमरा नंगल कोटकपुरे के भैन से कोटकपुरे ही जरा मॉर्निंग वाकया होंगे कोटकपुरे सिर्फ एक इंजर्ड है अजीत सिंह इंजर्ड है
ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਲਿਖੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇੰਜਰਡ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਇੰਜਰਡ ਸੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਹੋਸਪਿਟਲ ਕਿਤੇ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ 'ਚ ਲੱਗੀ ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਬਿਆਨ ਲਿਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਇੰਜਰੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਤ ਸੀਗੀ, ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ ਲੱਤ ਇੱਧਰੋਂ ਵੱਜ ਕੇ ਥੱਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਵੱਜ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਬੈਠੀ ਉਹ ਬੈਠੀ ਨਹੀਂ ਵੱਜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਂ ਕਰਕੇ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਲੋਜ਼ ਰੇਂਜ ਤੋਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਰਾਈਫਲ ਵੈਪਨ ਨਾਲ, ਉਹਦਾ ਬਿਆਨ ਲਿਖਿਆ ਉਸੀ ਵੀ ਇਹ ਡਿਕਸ਼ਨ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਜਰੀ ਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰੋ ਇਸ ਐਫ ਆਈ ਆਰ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕੋਟਕਪੁਰੇ ਵਾਲੀ, ਵੀ ਇਹ ਇਹਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿਸਨੇ ਇੰਜਰੀ ਕੀਤੀ ਆ ਇਹਦਾ ਬੜੀ ਹੈਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਸਕਿਆ ਸਟੈਂਡ ਹੀ ਹੋਰ ਹੈਗਾ, ਰਿਕਾਰਡ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਸਟੈਂਡ ਕੁਝ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਆ ਵੈਪਨ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵਿਦ ਇਨ 6 ਮੰਥ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਸਟਡੀ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ? ਮੈਂ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ, 30 ਜੂਨ ਨੂੰ। 30 ਜੂਨ 2016 15 ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਮੇਰੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਿਆਨ ਬੁਨ ਅਸੀਂ ਲਿਖੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਲਾਸਟ 3 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਜੂਨ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬਮਿਟ ਕਰਤੀ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ CM ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਗੱਲ ਬਣੀ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਡਿਊਟੀ 'ਚ ਸੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਨਸਰਨ ਸੀ ਮੇਰਾ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਲਾ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ CM ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਪਾਵਰ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਹਾਇਰ ਅਥਾਰਟੀ ਸੀਗੀਆਂ CM ਆ ਜਾਂ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਨਾ ਕਿ DGP ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, SSP ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, DC ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈਟਰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੋਈ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਰਿਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਕੀ ਇੱਥੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੀ, ਬਗੈਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹਾਇਰ ਅਥਾਰਟੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਸੀਗੀ SSP ਦੀ, DGP ਦੀ ਜਾਂ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਜਾਂ CM ਦੀ, ਵੀ ਭਾਈ ਇੰਨਾ ਸੀਰੀਅਸ ਮੈਟਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟਨਰ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੋ ਉਹ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਲੈਟਰ ਲੈ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਪਰਲੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਨਾ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਧਰ ਸਾਡੀ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਗਿਆ ਮੈਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੈਟਰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਟਰ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮਸਲਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਹਾਉਂਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੀ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਰਿਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਅਕਾਲੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਮੌਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੈਠਾ, ਰਿਪੋਰਟ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤੀ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੇਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਗਾ, ਐਕਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਦ ਇਨ 6 ਮੰਥ ਰਿਪੋਰਟ ਟੇਬਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ, ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਨਵੋਲਵ, ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਸਟੇਟ ਤੁਸੀਂ ਸੌਂਪੀ ਕਿਹਨੂੰ ਸੀ? ਮੈਂ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਕੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਤੋਂ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਹਿਨਜਾਦ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਲਈ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬਮਿਟ ਕਰਨ ਆਉਣਾ ਅਤੇ 9 ਵਜੇ ਕਿੰਨਾ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਦਫ਼ਤਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਆ, ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਇੰਟੀਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ 1 ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਦੇਤੀ ਵੀ ਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਹਾਂ, ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਟਸੀ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹ 1 ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਓ ਜਾਂ ਲੇਟ ਆ ਜਾਓ, 1 ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਓ ਜਾਂ ਲੇਟ ਆ ਜਾਓ ਜਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆ ਜਾਓ, ਅਗਲੇ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਆ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਸਾਡੀ ਸੀਗੀ, ਜੇ ਉਹ 12 ਵਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 12 ਵਜੇ ਦੇ ਆਉਂਦੇ, ਜੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5 ਵਜੇ 6 ਵਜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਸਬਮਿਟ ਕਰਨ।
लेकिन कोई नहीं हुआ। फिर गवर्नमेंट की देखो, गवर्नमेंट की ड्यूटी नहीं बनती, रिपोर्ट पढ़ लेंगे, टेबल कर दे, फिर पब्लिक को दस दे भी इस कार कार करके है नहीं सी, फिर किनू फड़ा के एयरपोर्ट? फिर उन्होंने असं टेलीफोन किया, मेरे जो नाल जो रजिस्ट्रार सीगा उत्थे, एक होर आई एस अफसर सीगा, उन्होंने पूछा भी वो कहते जी पता नहीं, मैं टेलीफोन करके पता कर। फिर उन्होंने टेलीफोन उन्होंने किया, उस नाल टेलीफोन तो गल हुई जाके होर आई, फिर उन्होंने एक आई एस अफसर होर डिब्यूट किया, वो आया, फिर असं रिपोर्ट सबमिट की। अच्छा, उन्होंने तुम रिपोर्ट सबमिट करती, तो फिर उस तो बाद भी नहीं सरकार ने तुहाडे नाल गल कीती वी असीं तुहाडी रिपोर्ट देख ली जां साडे कोले पहुंच गई जां पढ़ ली? इस तों बाद सरकार की जिम्मेवारी है रिपोर्ट पढ़ दे, पब्लिक नूं दस दे वी इह च की है। जे अकाली गवर्नमेंट दे फेवर च रिपोर्ट हुंदी ते उहनां दा उहदे इमीडिएटली ना कि ओपन कर दिंदे, लो जी सानूं कमीशन ने क्लीन चिट देती है। जे नहीं फिर इहदा मतलब पढ़ी तां होऊ, इहदा मतलब पढ़ी तां होऊ, अपने खिलाफ जिहड़ियां गल्लां जांदियां करके इहदा मतलब उहनां डेफिनेटली नैक्सट डे दा की उहनां ने सीएम साहब दा बयान आया सी भी जो रिकमेंडेशन उहनां ने कीती असीं ते एक्ट करांगे, लेकिन एक्ट दा हुण तुहाडे सामने ही हैगा, अज तक एक्ट नहीं होया गया। फिर वो रिपोर्ट जे बरकत सिंह बादल ने कहता सीगा अकाली गवर्नमेंट की फेवर चुंदी या पुलिस की फेवर चुंदी तो इमीडिएटली ओपन कर दे, लो जी सानूं तां क्लीन चिट मिल गई, आज सामने रिपोर्ट है, लेकिन वो रीजन ही है जो गवर्नमेंट दे गए सी ते पुलिस डिपार्टमेंट दे गए सी। मैं तो कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जलंधर मैं गया सीगा, क्योंकि मैं बी हैड जिहड़ा गया आम आदमी पार्टी लीगल विंग दा पंजाब दा हैड होण करके मैं सारे डिस्ट्रिक्टां दे विच उन्हें की जा रहा है, लाइयर तो बड़ा वधिया रिस्पोंस आ, लाइयर बड़े दूजिया पार्टियां वाले भी लाइयर आ के मैनूं उन्हें की अप्रोच करते भी ठीक है तुहाडी पार्टी दा स्टैंड है बहुत वधिया है, हुण चेंज आउंदे आ, चेंज लियाओ तो और सिस्टम जो करप्ट है। मेरा एक एक सवाल बड़ा एक होर है कि तुम जी रिपोर्ट तैयार की उस तो बाद भी कई रिपोर्ट तैयार हुई कमीशन बैठे कि फर्क सगा उन्होंने रिपोर्टों में भी रिपोर्टों में? देखो जो सैकंड कमीशन मेरे तो बाद कांग्रेस गवर्नमेंट जरा मेरी रिपोर्ट आ गई नैक्सट ईयर मतलब 2017 के कांग्रेस गवर्नमेंट आई, कांग्रेस गवर्नमेंट ने भी मेरी रिपोर्ट ओपन नहीं की, लेकिन उन्होंने सैकंड कमीशन बिठाया। जिस दिन सैकंड कमीशन बैठता है मैं किसी कांग्रेस के कोई आदमी को बैठा सीगा, मैं क्या जो सैकंड कमीशन बिठा रहे हैं ना ये एक जो मुलजमान ना कि मतलब राह दे रहे हो राह देने वाले भजन वास्ते उन्होंने फेवर वास्ते, कारण की है पहले उही गवाह जो विटनेस है मेरे को पेश हुए, फिर वो सैकंड कमीशन को पेश हो गए और विटनेस कि आपस में कुछ ना कि कोई मुकराया भी जा सकता, डराया भी जा सकता, धमकाया भी जा सकता और बेनीफिट मुलजम जाना है तुम्हें बजाया कि इस देते कोई तुम लगता भी वनू पढ़ के जो इलेक्शन करो, लेकिन उही गल हुई पहली गवर्नमेंट ने कोई एक्शन लेना सगा उन्हें अपना अकाली गवर्नमेंट ने अपना टाइम मंगा लिया, सैकंड गवर्नमेंट ने भी सैकंड गवर्नमेंट ने रिपोर्ट मेरी डेफिनेटली पढ़ी होएगी और उन्होंने ये भी इस रिपोर्ट जो अभी ना गवर्नमेंट निकल सकती ना पुलिस निकल सकती है, कमीशन ने भी पढ़ी होगी जरा अगर कमीशन ने भी पढ़ी है, कमीशन की रिपोर्ट तो मेरी रिपोर्ट हिंदुस्तान टाइम टाइम ऑफ इंडिया ने एक न्यूज़ लाई है कंपेयर करके कंपेरिजन किया मेरी रिपोर्ट तो 90% मेरी रिपोर्ट तो रिपोर्ट बिल्कुल 90% टैली करती है, जिनी जिड़ी इन्वेस्टिगेशन तुम्हें की उही अगे जाके उन्होंने भी सारे फैक्ट कढ़े ने और उन्होंने 2 साल टाइम लाया, 2 साल दे विच भी कमीशन सैकंड कमीशन भी नहीं दस सकया भी ये पुलिस वाला किहड़ा किहड़ी गोली चलाई, वो 2 साल लंघ गए, फिर गवर्नमेंट ने टाइम कढ़िया 2 साल कढ़ लिया, फिर उन्हें SIT बनाती खट्टर साहब की भी सी, फिर दूजी SIT हो गई, तीजी आ गई, एक तो बाद दूजी बाद तीजी कुंवर विजय प्रताप की आ गई जी हाईकोर्ट च गई, गवर्नमेंट ने डिफेंड नहीं किया नहीं एक्सैप्ट हुई रिपोर्ट में देख रहे हो ये टाइम ना कि इन्होंने गवर्नमेंट ने अपना करना सी पब्लिक नूं बेवकूफ बना के भी टाइम बस पास करना और करी जा रहा और विदिन 6 महीने रह गए हुण तो गवर्नमेंट दे हुण टाइम इस तरह निकल कोई एक्शन नहीं करना इन्होंने की लगता कि हुण तुहानूं उम्मीद है कि जिस तरीके दी इनक्वायरियां होईयां ने जां हुण जिस तरीके दा SIT बन रहीयां ने कि लगता तुहानूं उम्मीद है कि इंसाफ मिल पाऊगा जिवें तुसीं कहा कि समां बीतदिआं ही जिहड़े उह जिहड़े गवाह भी मुकर जांदे ने ते उत्थों जिहड़े सबूत हुंदे आ उह भी मिटाए जांदे आ तो जो तुहाड़ी इनकुआरी हुई है उदों गल्लां होर सी तां हुण जिहड़ियां इनकुआरियां हो रही उदों गल्लां होर सी तां हुण की लगता कि अजिही स्थिति दे विच जिहड़े दोषी उह फड़े जाणगे? देखो मैं तां पहलां भी कह रहा बहुत वारी कहा TV दे सामने अखबारां 'च भी होर भी मैं कहा मेरी रिपोर्ट पढ़ के तुसीं देख लो उहदे तुहानूं सब कुछ पता लगणा, मैं तां कल प्रैस कॉन्फ्रेंस कीती सी जलंधर प्रैस क्लब दे विच उत्थे मैं ही की गल कही सी मैं कैप्टन साहब ते सिद्धू साहब मेरी रिपोर्ट पढ़ लैण
ईजी डिपार्टमेंट को 150 तो उपर वकील आ उन्होंने कंसल्ट कर लैन, कंसल्ट करके बैठ जाने एक पास लाइव टीवी के उत्ते भी ये रिपोर्ट के नुकस है पॉइंट, मैं दूजे पास बैठ के ना कि दस दिना ये उधर बाद पब्लिक तो पता लगे पब्लिक को बेवको क्यों बनाने आप रिपोर्ट हो जाए तो मेरी रिपोर्ट से कोई प्रॉब्लम हैगी है तो पब्लिक दसो भी उन्होंने आ लिखा जी किसी पब्लिक दसना सही, पब्लिक दसना सही भी रिपोर्ट आ गलती है लेकिन वो तैयार ही नहीं। मैं तो हूँ भी कह रहा सिद्धू साहब पढ़ लैन कैप्टन साहब पढ़ लैन वकीलों की राय ला लैन, राय लैके वो बैठ जाने एक साइड से ओपन ना कि डिबेट कर लेना कि चैनल से उदर मैं दूजे पास मैं बैठ जाऊँगा मैं दस दाँगा दसो की प्रॉब्लम हैगी है कितने की तुम्हें किमें नहीं लभ सकते मुलजम और मैं और साड़ी गवर्नमेंट आई आम आदमी पार्टी जी यानी जी यूनिवर्सिटी बड़ी शॉर्टली असं एक्शन लवेंगे यानी जी थोड़ी रिपोर्ट बनी हुई है जेकर वो सही तरीके एक्शन लिया जाए तो कुछ ही समय के दोषी यानी थोड़े कहने का मुताबिक फड़े जा 100% की रिपोर्ट पढ़ के एक मैं बड़ा सिंपल कि यानी कोई बड़ा कॉम्प्लीकेटड गल नहीं मैं लिखते लिखी उन बड़ा सिंपल जो कि आ लेमैन मैं 10 पढ़िया है 12 पढ़िया वो ही पढ़ के दस सकता भी की हो रहा है पर गवर्नमेंटा नहीं चाहिए गवर्नमेंट एक्शन लेना नहीं चाहिए इन्हें विल पावर ही नहीं है जे पहले विल पावर होंगी तो पढ़ लेंगे पढ़ के कि एक्शन लेंगे नहीं सैकंड कमीशन बिठा लिया टाइम पढ़ लिया फिर एस आई टी आ गई दूजी आ गई तीजी आ गई किसी तो कोई एक्शन नहीं हम लगता हाले कि मुलजमान वो उसका राह दे रहा है कोई हाईकोर्ट जाए थोड़ा जहा टाइम निकले फिर दूजा जाए हाईकोर्ट जाए टाइम निकले इन्हों का टाइम पास कर दो हम लगता कि लास्ट 6 महीने के कुछ ना कुछ हो सकता कुछ नहीं होना गया तुम भी देख लियो कुछ नहीं होना इन्होंने हाँ पहले तो अपनी लड़ाई जो सिद्धू साहब के कैप्टन साहब यही मुकड़ेगी इतने जानू ना कि दिसंबर के कोड ऑफ कंडक्ट लग जाना 4 महीने रह गए कुछ नहीं होना गया यानी तुम आके जो कर सकते हो मैं तो वो ना सब कुछ क्लीयर है असी साड़ी गवर्नमेंट आई से असी बड़े शॉर्टली मैं तो कल भी यही गल की असी साढ़े को सब पता है मटीरियल सब पता है सब को भी कितने कौन मुलजम है लेकिन यह विल पावर नहीं जी इन्हें गवर्नमेंट को विल पावर नहीं की लगता कि पहली गवर्नमेंट ने थोड़ी रिपोर्ट के उपर कार्रवाई नहीं की उन्होंने गवर्नमेंट से साफ है कि उन्होंने उपर कोई ना कोई खामियां जरूर होनगियां उन्होंने ही गाज डिगनी सी फिर दूजी गवर्नमेंट ने क्यों नहीं की। देखो पहली गवर्नमेंट दूजी गवर्नमेंट दोनों मिली हुई पिछले इलेक्शन हुई थी सारे लोग कह रहे थे भी कांग्रेस अकाली दोनों मिल गए बूटा पाइया भी आम आदमी पार्टी नहीं आनी चाहिए उही गल हुई कांग्रेस पार्टी आ गई कैप्टन साहब पिछले एक न्यूज़ आई है बड़ी हैरानी वाली गल है एक DSP है एस आई टी का मैंबर आ DSP रोमाणा और मेरे को न्यूज़ भी हैगी तो मैं दिखाना है DSP ने उस एस आई टी काम किया एस आई टी दे जो साढ़े पेश होया उन्हें कहा जी मैं तो एस आई टी मैंबर नहीं सीगा मैं तो इन्वेस्टिगेशन कभी ज्वाइन नहीं की। देखो की तुम गवर्नमेंट इन्हों का हालात देखो गवर्नमेंट का भी की एक एस आई टी का मैंबर आ उन्होंने इन्वेस्टिगेशन वास्ते लाया एस आई टी का मैंबर से जेडे जी अपने श्री गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी हुई है। अच्छा ये एस आई टी ये एस आई टी मैंबर से है अकाली गवर्नमेंट ने इनू ये तो कोई एक्शन लिया ठीक है हूँ ना कि 4.5 साल हो गए कांग्रेस गवर्नमेंट आई तो यू ये बजाय कि एक्शन लेने दे मेरी रिपोर्ट पढ़ी होगी तो ये एक्शन होना चाहिए हूँ ये आउट ऑफ सर्विस होना सगो एक साल बताया गया इनू अगेंस्ट रूल एक साल एक्सटेंशन देती गई। देखो ये गवर्नमेंट का की है थोड़ा हूँ इतों आप लगता भी कि गवर्नमेंट एक दूसरे ने मिली नहीं है ये उन्होंने कांग्रेस पार्टी का मिलू आ मैं गया चेता तो उदो अकालिया का भी है एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं इतने कोई एक्शन नहीं हूँ मैं यही गल कहती सिद्धू साहब ने यही नहीं देख लेना भी तुम कहने बार बार रौला पा रहे हैं भी इन्हें कि अभी जी पहला इलेक्शन तो पहला भी इन्हों का मुद्दा भी अभी बैबल कला गोलीकांड दूजे BSP वालों दोषियों उन्हें कि सजा दवाओगे सज़ा तो की होनी है जेडे इनवॉल्व है जेडे कि इन्वेस्टिगेशन जिन्हों का प्ले रोल देखो किस तरह का उन्होंने एक्सटेंशन दे रहे इस करके इन्हें कोई एक्शन लेना गा इन्हें टाइम कढ़ना निकल गया हम आम आदमी पार्टी जी भरोसा दवाई है भी जी काम देखो मैं कि आप रिपोर्ट दिखती गई है मैं पता भी की है साड़ी गवर्नमेंट आई पावर चो असी डेफिनेटली शॉर्ट मतलब थोड़े टाइम च नहीं पर तुसी आज विरोधी धर दे विचों शायद तुसी बहुत लेट ज्वाइन की है 2.5 साल तो बाद 1.5 साल तो बाद जो तुसी विरोधी धर दे विच आए हो पर विरोधी धर दे विच तुहाडी पार्टी हैगी है तुहानू लगता नहीं सी कि जोर शोर दे नाल ये मुद्दा चक लेना चाहिए सीगा जे तुहाडी पार्टी तुहाडा साथ दिंदी तां जोर शोर दे नाल ये मुद्दा चक के तां लोकां नू भी अवेयर किया जा सकता सी ते सरकार दे भी कन्न खड़े कराए जा सकते सी सरकार नू मजबूर किया जा सकता सी इस मामले दे उपर एक्शन करन वास्ते। देखो मैं ज्वाइन की 2018 की है पार्टी ज्वाइन की है 2019 इलेक्शन हुई है
मैं तो जिथे भी जाना मैं हाईलाइट करते करता कि इन्हों की दोनों मिले हुए हैं जो एम एल ए ने जब विरोधी धर थोड़ी पूरी की पूरी है उन्होंने लगता नहीं कि सारे इकट्ठे होकर मामला बड़े जोर शोर चक रहना चाहिए। देखो ये तो हम जो एम एल ए या विरोधी धर के लीडर है उन्होंने पता भी क्यों की उन्होंने एक्शन लेना की नहीं लेना की कि मुद्दा चुकना नहीं चुकना उन्हें बारे तो मैं गल नहीं कर सकता कि क्यों नहीं चुकया जाए की गल है। लेकिन मैं तो जितने भी जाना हर जगह पर जो भी कोई मेरे तो पूछता कि मैं दस रहा क्योंकि ये बड़ा सेंसिटिव मैटर है और जोड़ा आम आदमी पार्टी एक ही है। आम आदमी पार्टी का मैं कल भी यही गल की सी भी जोड़े इंपलाइज है ऑनेस्टली काम कर कोई डरने की लड़ नहीं कानून के मुताबिक काम कर बगैर किसी मोटो के कोई पोलीटल लीडर के कहते कोई यह गल कर ऑनर करा पर जोड़े मुलाजम कोई भी है पुलिस का डिफरेंट डिपार्टमेंट जो भी है जो अगेंस्ट रूल्स अगेंस्ट लॉ किसी मोटो नहीं कम कर उन्होंने एक्शन लवेंगे साड़ी पार्टी आ गई उन्होंने एक्शन लवेंगे। पर लोग सर यह सोच रहे हैं ना लोग यह सोचते हैं कि जे तुम विरोधी धर के रह के अपना काम विरोधी धर के तौर पर वधिया तरीके नहीं निभा सके तो फिर सरकार के तौर पर तुहाड़े तो लोग किवें उम्मीद रखण। मैं उही गल करदा पार्टी साड़ी पावर च आ जाए तो असीं जरूर ना की करांगे हुण तो अपोजिशन तो रौला ही पा रहे हैं रौला ही पाउणा होगा अपोजिशन तो नहीं पर उही मैं तुहाडे नाल गल कर रहा उन्होंने हाईलाइट कर उही मैं तुहाडे नाल गल करके हटा ना भी यह मुद्दा जोर शोर के नाल तुहानू नाल लैके चक्या जा सकता है जिवें तुसीं अज कह रहे हो तो फिर वो क्यों नहीं चक्या इन्होंने गल तो उही है ना होर भी बहुत सारे मसले है सर भी जिहड़े सही ये जिहड़े हुण पार्टी जिहड़े लीडर एम एल ए वगैरह है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं भी उन्होंने की पॉलिसी बनी क्योंकि अभी उही एम एल ए चुने जाने ना फिर लोग कहते हैं कि असी कि विश्वास करिए इन्हों के उपर। देखो मैं तो असी तो विश्वास पब्लिक में यही गल कर रहे हैं सारी जगह पर मैं यही गल कह भी साड़ी पार्टी पावर च आ गई तो असी जो मुलजिम है उन्होंने एक्शन डेफिनेटली लेवे और शॉर्टली लवेंगे। ये थोड़े केजरीवाल साहब के नाल भगवंत मान के नाल सारे गलबात होगी इस पॉइंट की गल करते इस की गल कर नहीं इस पॉइंट तो उन्होंने कोई गल मेरे भी की मैं तो अपना कि जो अगर मैं रिपोर्ट की है मैं अपना दस रहा मैं दस रहा गया साड़ी पार्टी भी ना कि पब्लिक दे अगे जाएगी भी तुसी जो पहला जो कह रहे भी असं एक्शन लगे हूँ क्यों नहीं लेंगे जिमें अकाली पार्टी कह रहे हैं भी तो तुसी एक्शन नहीं लिया बेअद भी हुई है गुरु ग्रंथ साहिब फायरिंग हुई है तो तुसी एक्शन लिया लोगों ने उन्होंने आउट ऑफ पावर तो बाहर किया हूँ कांग्रेस पार्टी ने भी कोई एक्शन लिया इन्हों का भी सेम हाल होगा जे मेरे कहते मैं ना कि कह रहा गया भी साड़ी पार्टी का भी स्टैंड आ भी असं एक्शन लवेंगे पर जे साड़ी पार्टी नहीं लेंदी तो लोगों ने सानू भी उही गल करनी है सानू भी उही उस तरह की डील करेगी बिल्कुल उस तरह डील सानू पार्टी भी करेगी अस पर असी कह रहे हैं मैं कह रहा भी बड़ी जल्दी असी ना कि ये जो दोषी आ उन्होंने बिल्कुल असी भी उम्मीद करते हैं कि जल्द तो जल्द जी दोषियों सज़ा मिले सरकार भला जी मर्जी हो सर तुम अपना कीमती समा थानू दिता थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू तो यह सन सबका जज सेवा मुक्त जोड़े जज से सरदार जोरा सिंह जी जिन्हों के वालों पहली जी रिपोर्ट तैयार करके अकाली गौरमेंट में जी सौंपी गई सी पर अफसोस कि उस रिपोर्ट के उपर कामकाज नहीं किया गया अगली सरकार बदली अगली सरकार ने भी इन्हों की रिपोर्ट के उपर कामकाज नहीं किया हालांकि जोड़ा सैकेंड कमीशन बनाया गया उसकी भी रिपोर्ट जी इन्हों रिपोर्ट के 90% जी वो मैच करती सी पर फिर भी इन्हों रिपोर्ट के उपर कार्रवाई नहीं की गई ना ही अगली तो की गई सैट तो सैट बाद बनती गई कमीशन तो बाद कमीशन बनता गया पर हाले भी जोड़े लोग है वह इंसाफ तो वांझे ने इन्होंने यही गल कही है बाकी पार्टियां भी यही गल कह रही ने कि जेकर साड़ी सरकार आउंदी है तो असी आउण सार पहला दोषियों को सज़ा देंगे पर हर जिहड़ा वार मुद्दा जिहड़ा ये वोटां दे विच उठदा है तो हुण देखण वाली गल है कि वाकई जां तां इत्थे इंसाफ मिलेगा जां फिर 84 की तरह जां फिर नकोदर कांड की तरह जां होर बहुत सारे मुद्दों की तरह हर वार ये मुद्दे जिहड़े आ सिर्फ और सिर्फ वोटां दे लई चक्के जा करनगे। दुबारा फिर मिलांगे, धन्यवाद।